Hey guys, welcome to our Twin Sisters channel. I'm Maitri. And I'm Kanti. तो आज हम बना रहे हैं व्लॉग एंड आज है 9th of March, यानी कि मामा जी का बर्थडे. लाइक हमारे जो छोटे वाले मामा जी हैं, सुदेश मामा जी, उनका बर्थडे है आज. या एंड वो हमारे घर के बहुत पास में रहते हैं, तो उनका बर्थडे हमारे घर पे ही मनाया जाएगा. लाइक रात में तो उनके घर से धीरे छोटे छोटे ट्रीट्स आ रही है हमारे लिए, जैसे की नो लंच उनकी तरफ से होगा एंड लाइक डिनर भी. डिनर हम यू नो थोड़ा सा संभाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हम हेल्प कर देंगे, वरना तो मामी जी और मम्मी खुद ही बनाएंगी. ऐसे भी जब हमारे घर में कोई फेस्टिवल होता है तो मामी जी यहीं पर ही आ जाती हैं, बच्चे वगैरह सब लोग सब साथ में मिलके यू नो डिनर वगैरह करते हैं, डबल खुशी वाला माहौल हो जाता है. सो या तो आज मामा जी का बर्थडे है, तो आज बेसिकली आज बर्थडे ब्लॉग है. एंड हमारे लिए आने वाला है लंच में बर्गर, जो कि मामी जी लाइक सुबह से ही बना रही है बेचारी. लाइक हम लोगों ने उनको कहा था कि उनने हमसे पूछा था कल कि मामा जी का बर्थडे है तो हमें लाइक स्पेशल क्या बनाऊं खाने में. तो हमने कहा था कि आप ऐसा करना, लंच में बर्गर्स भेज देना हमारे लिए, बिकॉज मामी जी के हाथ के बर्गर माय गॉड दे आर सो यम, बहुत डिलीशियस बनाती है वो. ये खुद की नो ग्रीन चटनी वगैरह लाइक रेड चटनी सब खुद से बनाती है वो. सो कुछ अलग ही टेस्ट होता है उसका, यमी सा. एंड आप लोग को दिख रहा होगा कि हमारे बाल भी कितने गीले हैं, बिकॉज वी जस्ट टुक शावर गाइस. एंड अभी हम लोग को हवन करना है, उसके बाद विल हैव आवर बर्गर्स. एंड ऋषिका भी थोड़ी देर में बर्गर्स लेके आने वाली होगी, मैंने उसे कहा कि लंच में लेके आना. सो अभी हम हवन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं. एंड या तो अभी चलते हैं फटाफट से गाइस. सर ऋषिका आ गई है हमारे लिए बर्गर्स लेके. थैंक यू ऋषिका. चिकू हम सब एक्साइटेड है बर्गर के. चिकू ये तुम्हारे लिए नहीं है, दिस फॉर अस. सो ये रहे हमारे बर्गर, एकदम पैक करके दे भेजे मामी जी ने. सो लेट्स ओपन देम. ओह माय गॉड, मेरे मुंह तक पानी आ रहा है ब्रो. दिस इज डिलीश. अच्छा इसमें दो बर्गर हैं. ओके एक बर्गर ये रहा, और अनदर वन इज हियर. सो ऐसे मामी जी ने पूरा पैक करके भेजा है हम चारों के लिए, क्योंकि अभी घर में सिर्फ दृष्टि में भैया और मम्मी ही हैं. सो हम सबके लिए टू टू बर्गर्स. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर लंच. सुपर डुपर एक्साइटेड. थैंक यू मामी जी फॉर दिस यम्मी बर्गर्स. दे आर जस्ट लव यार. घर के बर्गर्स की तो बात ही कुछ और होती है. सो वी गोना एंजॉय देम. टिंग टिंग. एंड चिकू को देखो. चिकू ही खाएगा बर्गर. चिकू से लालच नहीं आना चाहिए तुम्हारे मुंह में बेटा, तुम्हारे सही नहीं है वैसे. दिस फॉर ओ यम्मी यम्मी यम्मी. सो गाइस ये भैया गीजर खराब हो गया, ये गैस वाला गीजर है. तो लेट मी नो आपका भी ऐसे गीजर खराब होता है कि, मतलब ये थर्ड टाइम खराब हो रहा है. नॉर्मली से कि एक दो बार खराब होता है सह लेता है इंसान, बट ये थर्ड टाइम खराब हो रहा है. एंड लाइक मम्मी पागल हो चुकी है इसको ठीक करवा करवा के. आई डोंट नो, पता नहीं कैसे ठीक करके जाते हैं लोग, बार बार खराब हो जाता है. तो यार भैया की बाथरूम में ना गैस वाला गीजर लगवाया, ताकि नो जस्ट इन केस कभी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चली जाती है तो वो वाला यूज में आता है. एंड लाइक भैया भी काफी गुस्सा कर रहे थे कि हटवा दो इसको, नॉर्मल इलेक्ट्रिक वाला गीजर लगवा दो. बट क्या करें, एक ऐसा गीजर भी होना जरूरी है. सो या किसी को हमें घर में नहीं आने देता. चिकू क्या है? अच्छा बात ठीक हो जाएगा. दृष्टि लगी हुई है चिकू की रखवाली में, बिकॉज चिकू किसी को भी घर के अंदर आने नहीं देता, किसी लाइक स्ट्रेंजर को. सो वो जो भैया आए गीजर ठीक करने वाले, उनको चिकू चैन से जीने नहीं दे रहा. चिकू बेटा छोड़ दिया ना. खत्म गीजर वाले भैया गए. चिकू कोई नहीं है. चिकू चिकू हम जानते हैं उनको. चिकू कब समझेगा तू, बड़ा अभी एक साल का होने वाला है तू. सुधर जा बाबा सुधर जा. तो डैडी आ चुके हैं ऑफिस से, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी डैडी. चिकू सर कुरकुरे सीरियसली भाग गया. देखा चिकू डैडी के बाद भाग गया. सम फ्रूट्स
फ्रूट टाइम गाइस, लव ऑरेंजेस। तो मतलब चीकू ऑन द फ्लोर, जैसे ही दर्शन कुरकुरे का पैकेट अपने हाथ में लिया और ये भागता हुआ डैडी के रूम से, ये रहा चीकू। डोंट गिव हिम दिस, डोंट गिव हिम, खुद ने दिया तो कुछ नहीं, मैं बुरी बन जाऊंगा बेटा। इतने बिकारी पर तो ठीक नहीं है ना। एंड लाइक गाइस, इसकी पता नहीं क्यों आंख में ठीक नहीं हो रही है इसकी, ये का एक महीना हो गया ऑलमोस्ट इसके वो आई ड्रॉप डालते हुए, बट स्टिल इसका हार्श तो ही कैन हैव। चला जाएगा ऐसे आराम से बैठे खाएगा ब्रो। इसका केक बना लेते हैं क्योंकि काफी लेट हो गया है, 6:30 हो गया बता। वो बर्थडे बॉय से तो मिलवाया नहीं इन लोग को, अब तो हमने आएंगे तब तो मिलवाएंगे। सुबह सुबह आए थे हम जो सब ब्लॉक करना भूल गए, अब जब वो आएंगे तब आपसे मिलवाते हैं जी बिल्कुल। फिर से आ गए ग्रेप्स, अच्छे नहीं होते दृष्टि बड़े लाइक्स। सो बर्थडे बॉय इज हियर, थैंक यू थैंक यू। और मामा जी कैसे हो? ओके बढ़िया। कितने साल के हो गए? हैप्पी बर्थडे टू यू। सेम टू यू। मामा जी भी आ चुके हैं, मामा नमस्ते। मामा जी अब कितने इयर्स के हो गए आज? 34 नमस्ते बेटा, नमस्ते। आई वाज आल्सो हियर, ऋषिका इज आल्सो हियर, लेट्स हैव अ डिनर। बहुत प्यारी लगी है इसमें ना, ऐसे यू शेप कट है आगे से, सो इसको टकिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी लाइक पैंट्स वगैरह में। ये ऑलरेडी काफी फैंसी सी है और ऑल्सो उसकी स्लीव्स बहुत डिफरेंट है, लॉन्ग स्लीव्स है थोड़ी सी इसमें ना, कुछ क्या बोलते हैं उसका एक्स्ट्रा स्लीव आप लोग बोल सकते हो कि इसमें एडिंग किया गया है। लाइक गर्मियों एकदम परफेक्ट है एंड लाइक मेरे पास ब्लैक टी शर्ट है, सिर्फ ग्राफिक टी शर्ट थी नहीं ब्लैक में, सो भी काफी इनएक्सपेंसिव थी अमेजोन पे, सो वी थॉट व्हाई नॉट। लाइक पीछे से तो प्लेन ब्लैक है, आगे इसमें ग्राफिक्स बने हुए हैं ऐसे करके, लिखा भी हुआ है इस पे माइटी मार्वल प्रेजेंस, so it's really really beautiful. Fabric is amazing guys, I'm in love with the fabric. So we have this again night suit, like very pretty night suit, and ye shorts wala by the way, like this, see cute se shorts hai, sa pockets bhi hai, you know, best part. It's by the brand Clovia and it's in small size and it's 100% cotton guys, so perfect for summer. I'm waiting for summer, like proper summer aa jaye to main isko pehen sakun aram se, and kafi iska soft material hai and very you know flexible material. So yeah, so this was our cute sa mini fashion haul from Amazon. So you need bhi cheeze dikhayi, sabke link already given hai description box mein, so you guys can check out in case you like any of them. So ye tha hamara aaj ka birthday vlog of Mamu, so yeah, let's end this vlog here, see you soon, till then bye bye, and also stay home, stay safe.
Oh, 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 oh,